मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और मिथिला मच न्यूज लगातार शिक्षा के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य कर रही है, क्योंकि अगर मानव जीवन में दो क्षेत्र में अगर काम किया जाए तो आपको अंदर से भी संतुष्टि होगी और लाखों हजारों छात्रों एवं मरीजों का भी कल्याण हो सकता है। ऐसे में हम आज शिक्षा पर ही बात करने के लिए आए हैं। हमारे साथ दिवंगत पब्लिक स्कूल के काउंसिलर हैं, एजुकेशन डायरेक्टर हैं विशाल गौरव जी। विशाल जी का स्वागत है। धन्यवाद। विशाल जी से पहले भी हम चर्चा किए हैं और आप लोगों से, तमाम अभिभावकों से और आम जनता से अपील करें कि आप हमारा ये 15 मिनट का कार्यक्रम देखें, उसके बाद सोचिए क्या हमारा दरभंगा शैक्षणिक क्षेत्र में पिछड़ता जा रहा है, क्या हमारे दरभंगा को कोटा, दिल्ली एवं अन्य जगहों के स्कूल का जो एजुकेशन है, जो क्वालिटी एजुकेशन है और जो पॉजिटिव थॉट है जिससे हमारे बच्चे का न सिर्फ बेस मजबूत होता है बल्कि हमारे बच्चे का कैरियर भी सुरक्षित होता है, उस लेवल पर काम करने चाहिए कि नहीं चाहिए। इस पर हम चर्चा करते रहते हैं लगातार, लेकिन आज हम विशाल जी से पूछेंगे। विशाल जी, ये जो हमारी परंपरागत ये पढ़ाने का स्टाइल भी है, स्कूल भी है, लगातार खुलते जा रहे हैं, कई स्कूल भी अपने तरीके से पढ़ाते रहते हैं, हम बेटर कर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने बच्चों को कोटा, दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी जैसे लेवल के अपने बच्चों को उस लेवल पर ला सकते हैं या खराब सकते हैं? जब वहां के बच्चे हमारे बच्चों से मिलते हैं तो आप उदाहरण फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है? इसको दो अलग अलग तरीके से देखते हैं। पहले तो मैंने खुद अपनी जिंदगी में 13 अलग अलग राज्यों में काम किया है और 3 देशों में काम किया है, तो मैं इस बात को कतई विश्वास नहीं करता हूं इस पर कि यहाँ के क्षेत्र में जो यहाँ के विद्यार्थी हैं या यहाँ के जो लोग हैं उनमें मेधा या प्रतिभा की कमी है। इस बात से मैं बिल्कुल एक सिरे से नहीं, ये तो है। अब होता ये है कि जब यहाँ के स्टूडेंट्स बाहर जाते हैं तो एक जो उनका माध्यम है कम्युनिकेशन का, संचार का जो माध्यम है, आप बड़े शहरों की अगर बात करें, दिल्ली हो या बैंगलोर हो या मुंबई हो, तो वो माध्यम ज्यादातर स्टूडेंट्स के बीच में वो हमेशा से अंग्रेजी रहा है, और यहाँ के स्टूडेंट्स का जो माध्यम रहता है वो 99% या 95% केसेस में उनका माध्यम जो है वो हमेशा से हिंदी रहता है। तो वो जो माध्यम की जो चुनौती है, वो आप जो ग्लानी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके आत्मविश्वास को वो कम करता है या उनको लगता है कि मेरे अंदर वो बात नहीं है जो कि वहां के छात्रों में है या वहां की छात्राओं में है। लेकिन 6 महीने, साल, 1.5 साल होते होते जब यहाँ के स्टूडेंट्स भी वहां पर सेटल कर जाते हैं, चाहे कॉलेज में हो चाहे किसी अलग यूनिवर्सिटी में हो, तो फिर मुझे लगता है कि देर इज नो लुकिंग बैक। यही चीज है कि यहाँ आखिर वो कौन सी चीज को हमें पूरा करना चाहिए ताकि हम देखें किसी भी कंसेप्ट जो उनका होता है किसी भी टॉपिक पर वो वहां की अपेक्षा कमजोर होता है, क्योंकि वो इंग्लिश स्पोकन के साथ इंग्लिश के राइटर्स के, इंग्लिश के जो न्यूज़पेपर हैं, जो वो उसको थॉट उससे मजबूत कर लेते हैं वो अपने कंसेप्ट को, उसके बाद जो वो चर्चा करते हैं उसमें हमारे बच्चे, यहाँ के जो बच्चे रहते हैं, तो हमने ये महसूस किया है कि उसमें 3-4 साल का गैप होता है जो वहां का माइंड डेवलपमेंट कहा जाता है और यहाँ डेवलपिंग है, ये उस डेवलपिंग को किस तरह डेवलप बनाने का प्रयास किया जाता है। मुझे लगता है कि दो अलग अलग क्षेत्र से यहाँ पर काम होना चाहिए, एक तो स्कूलों की तरफ से और दूसरा उनके पेरेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। स्कूल की तरफ से दो चीजों पर काम होना चाहिए। पहले है कि इंग्लिश कम्युनिकेशन, कि जो इतने सारे स्कूल्स हैं हम लोग यहाँ पर, जब हम ये कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम हैं तो इस बात को हम लोगों को एक सत्य की लकीर की तरह रखना पड़ेगा कि हम लोग वाकई में इंग्लिश मीडियम हों, और उसके लिए हम लोगों को अपने आप को, शिक्षकों को, मैनेजमेंट को, प्रिंसिपल को, हमको पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना होगा कि हम एक बार भी इंग्लिश से हिंदी में स्विच ना करें या दूसरे जो रीजनल यहाँ पर कोलोकियल लैंग्वेज है उसमें स्विच ना करें, और कम से कम जो 5-6 घंटे का स्कूल ड्यूरेशन है उसमें हम लोग इंग्लिश को ही माध्यम बना के चले। क्यों? इसका कहने का कतई ये तात्पर्य नहीं है कि हिंदी जो है वो गौण भाषा है या हिंदी का महत्व उतना नहीं है। होता यह है कि बाकी जो 15 घंटे हैं उसके पास या बाकी जो 8-9 घंटे उसके पास हैं, जो नॉन स्लीपिंग आवर्स है, उसमें तो वो ऑलरेडी हिंदी में कम्युनिकेट कर रहा है या अपनी मदर टंग अगर उसकी मैथिली उसमें कम्युनिकेट कर रहा है, तो उन भाषाओं को कभी उसको सीखने में या उनमें अपने आप को अभिव्यक्त करने में वो चुनौती कभी उसको नहीं आएगी जो उसको अंग्रेजी में आती है। पहले तो स्कूलों को अपना जो
अगर वो कहते हैं कि हम इंग्लिश मीडियम है तो उस बात को उनको पत्थर की लकीर रखनी चाहिए, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, कि वो इंग्लिश मीडियम ही होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या व्यक्तित्व के विकास के लिए जो नॉन एकेडमिक चीजें हैं, पाठ्यक्रम से जो हटकर या पोर एकेडमिक चीजों से जो हटकर चीजें हैं, जहां लोगों को, बच्चों को अपने आप को अभिव्यक्त करने की कला, संप्रेषित करने की कला, इसका विकास होता है, उसके ऊपर बहुत चैनलाइज तैयारी होनी चाहिए बहुत जूनियर क्लासेस से, जिसके अलग अलग मेथड्स हो सकते हैं। उसके मेथड्स हो सकते हैं कि आप डिबेट कॉम्पिटिशन करा रहे हैं, आप एलोक्यूशन करवा रहे हैं स्कूल में, आप ग्रुप डिस्कशन का उसको एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप जो है अलग अलग तरह के स्टोरी टेलिंग करवा रहे हैं क्लास में। तो इन सब से क्या होता है कि पब्लिक स्पीकिंग के समय या अपने आप को अभिव्यक्त करने के समय जो हिचकिचाहट होती है या हेजिटेशन होती है उसके अंदर, वो धीरे 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 दूर हो जाती है। और जैसे जैसे बच्चा सीनियर हो जाता है, वैसे वैसे उसका अपना जो गुरूर या सेल्फ रेस्पेक्ट होता है वो इतना बढ़ता जाता है कि जब वो गलती करता है तो बहुत सकुचाता है। जूनियर बच्चे जो है वो गिरते हैं फिर उठते हैं, वहां ट्रेन करना कंपैरेटिवली बहुत आसान है। इसी दौरान एक चीज और, आप लगातार इस पर वर्क भी कर रहे हैं करियर लॉन्चर की तरफ से, आपने भी इस पर एक चीज बताई है, जो बच्चों को कैटेगराइज होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि जो अच्छे बच्चे हैं या बाहर से कोई ऐसा बच्चा जो ट्रांसफर के जरिए यहाँ आता है, उसको जब उसी बच्चों की भीड़ में सेम स्टैंडर्ड का अगर पढ़ाया जाता है तो उसकी भी क्वालिटी गिरती है, उसके गार्जियन भी जो अपेक्षा रखते हैं वो भी नहीं पाता है। तो क्या ऐसा होना चाहिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो क्रीम बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशल इफोर्ट लगा, चुकी रिजल्ट भी काफी मायने रखता है किसी भी स्कूल किसी भी संस्था के लिए, तो क्या ऐसे बच्चों को एक अलग से कैटेगराइज कर करके उन लोगों को पढ़ाने की जरूरत है ताकि वो रिजल्ट दे सके। दूसरा, जो कमजोर बच्चे जो वीक हैं उनके लिए भी एक्स्ट्रा क्लासेज स्कूल में लगे, क्योंकि कोचिंग और ट्यूशन में बच्चे जाके बिगड़ भी रहे हैं, आप भी जानते हैं, तो क्या स्कूल को ऐसा प्रबंधन करना चाहिए? देखिए, जो सीबीएसई की मल्टीपल ट्रेनिंग्स होती है, और मैं कई बार उसका सौभाग्यवश हिस्सा भी रहा हूँ, क्लास कैटेगराइजेशन सीबीएसई की जो रिसर्च होती है उसके हिसाब से वो 15-70-15 का एवरेज मानता है। वो ये कहती है कि आप किसी भी क्लास में ऑन एन एवरेज अगर आप किसी स्कूल की बात करें तो 15% बच्चे जो होते हैं वो काफी ब्राइट होंगे, 70% जो होते हैं वो आपको एवरेज होते हैं, और जो 15% बच्चे होते हैं वो थोड़े से उनको और पुश करने की जरूरत होती है। क्लासरूम टीचिंग जहां तक बात है, चूंकि एजुकेशन सिस्टम का ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आप सारे बच्चों को एक साथ लेकर किस तरह से चल सकते हैं, वो हमेशा उस 70 पे फोकस करना चाहिए, ये मेरा मानना है कि जो एवरेज है उसको मानना चाहिए। लेकिन आपका बात बिल्कुल सही है कि उस 15 जो टॉप के हैं और जो 15 जो बॉटम के हैं, 15%, उसके ऊपर डेफिनेटली उसको एक्स्ट्रा उसके लिए सेशंस होने चाहिए। और अगर मैं अपने स्कूल की बात करूं तो वहां पर हम लोगों का जो टीचिंग टीचर्स का जो वर्किंग आवर होता है वो हम लोग का 8 आवर्स होता है, और स्कूल का वर्किंग आवर जो होता है हम लोग का स्टूडेंट्स का वो 6 आवर्स होता है। वो बाकी 2 घंटे हमने रखे ही ऐसे बच्चों के लिए है कि जहां पर कि जो सुपर ब्राइट है या जो बच्चे थोड़ा सा पुश जिनको जरूरत है, ये बच्चों को टीचर अलग से कैटर कर सके। क्लासरूम के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है कि आप एक एवरेज सेशन में सारे कैटेगरीज को उसी ऑनेस्टी के साथ और उसी पैशन के साथ आप सबको एक साथ कैटर करना, बट एडिशनल आवर्स से सब कर सकते। जैसे होता है कि आप देखते होंगे कि जो खेल में दौड़ होता है 100 मीटर 100 मीटर, तो उसमें जो सेलेक्ट होते हैं 10 लड़के या 5 लड़के, जो सेलेक्ट हैं उसको फिर आप नेशनल या स्टेट लेवल के लिए उसको तैयार करते हैं, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? मुझे ये जो होता है जैसे कि 100 मीटर 400 मीटर जो रेस होता है उसमें बच्चे को आपने सिलेक्ट कर लिया, उसको फिर आगे की जो आपके स्टेट या सेंट्रल लेवल की जो तैयारी होती है उसके लिए आप अलग से इफोर्ट लगाते ही उसको, तो निश्चित तौर पर वो छट गया उसमें से स्पेशल के लिए, फिर उसके लिए आप इफोर्ट लगाते हैं। तो क्या ये इस तरह के स्टडी में भी नहीं हो सकता कि आप जानते हैं कि ये 10 लड़का है, इस 10 लड़के पर थोड़ा सा ज्यादा इफोर्ट है, गार्जियन भी चाहता है कि हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है लेकिन स्कूल जाके गलत हो जा रहा है, ये उसके मन में होता है, तो उसके लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए? जैसे मैंने आपको कहा कि जो क्लासरूम है, एक तो है कि उसके अंदर आप जो अगर मैं ए बी सी कैटेगरी में 3 भाग में बांट के देखूं स्टूडेंट्स को, तो ए कैटेगरी को सर्टेनली आपको थोड़ा सा जो भी आप चैप्टर या सिलेबस का जो भी आप हिस्सा आप कवर करवा रहे हैं उसमें कुछ क्वेश्चन जिसको सीबीएसई कहता है हॉट्स
सेपरेट नोमेनक्लेचर है जिसको HOTS हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, वो ऑटोमेटिक सिलेबस में इनबिल्ट है उस तरह के क्वेश्चंस कि आप उस बच्चे को उसके क्रिएटिविटी को उसके थिंकिंग एबिलिटी को आप इन क्वेश्चंस के थ्रू चैलेंज करें। तो एक तो ये CBSE करिकुलम का हिस्सा है, दूसरा ये है कि आज के दिनों में बहुत सारे ओलंपियाड्स जैसी चीजें आ गई हैं जिसमें कि NTSC और KVPY दो जो है वो तो सरकार से भी मान्यता प्राप्त है, और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें मैं SOF का एक नाम ले सकता हूँ आपके सामने, जो ओलंपियाड्स कंडक्ट करते हैं और ये बहुत जूनियर लेवल से स्टार्ट हो जाता है। मुझे लगता है कि ये ओलंपियाड्स वगैरह भी आने वाले समय के लिए ये बहुत ही एक सही प्लेटफॉर्म हो सकता है बच्चों को शुरू से, एक जो आप प्लस की बात कर रहे हैं कि वो प्लस किस तरह से हम लोग दे सकते हैं उसके लिए। तो लगातार बता दें दरभंगा के अभिभावकों की एक इच्छा होती है कि वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं तो उस हिसाब से उनके बच्चों में डेवलपमेंट है या नहीं। हम दो बात कहा कि जो दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बच्चे रहते हैं वो डेवलप्ड होते हैं और हम लोगों के डेवलपिंग है, तो उस लेवल को लाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट को उतनी कड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी जितना अभिभावकों को। अभिभावक सोचते हैं और अपेक्षा तो बहुत करते हैं लेकिन खुद वो इस बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपको भी डिवाइड करना पड़ेगा स्कूल में कौन से स्कूल आपके बच्चों को इंग्लिश स्पोकन सिलेबस कंप्लीट करता है कि नहीं करता है, समय पर कई तरह के जो तत्व हैं प्रैक्टिस कराते हैं कि नहीं कराते, टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, डिबेट कराते हैं, ये सभी आपको देखना पड़ेगा। और आप अपने बच्चों के किसी स्कूल में आपने एडमिशन करा लिया बच्चों को वो मायने नहीं लगता है, लेकिन अगर अभी समय रहते अगर आपने अपने बच्चों के समस्या को देखते हुए अच्छे स्कूल का चयन नहीं किया तो आने वाले समय में जो आपके बच्चे, क्योंकि 6 के बाद से ही बच्चों में जो एक रुचि होती है पढ़ाई के प्रति वो एक कौन सा लेवल होता है जहां से बच्चों को ज्यादा सीरियस गंभीर होने की आवश्यकता होती है? मुझे लगता है क्लास 8, मैं पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो 8वां मैं कहूंगा कि वहां से जो है बच्चे को एक अलग तरह के रेस के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। क्योंकि है क्या कि आज भी कंट्री में जो हायर एजुकेशन है, जब मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ तो जो बिल्कुल A++ कैटेगरी का जो हायर एजुकेशन है वहाँ बहुत कॉम्पिटिशन है। मैं आपको जस्ट कुछ आंकड़े देना चाहूंगा, जैसे CBSE में लगभग 20 लाख स्टूडेंट्स जो है वो क्लास 10 का एग्जामिनेशन देते हैं। अब इसमें से 58,000 विद्यार्थियों को पिछले साल 95% प्लस मार्क्स मिला है। CBSE एक बोर्ड है, CBSE के अलावा कई बोर्ड है हिंदुस्तान में, हर एक स्टेट का अपना एक बोर्ड है, IB बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। तो आप ये समझिए कि 58,000 बच्चे पूरे हिंदुस्तान में केवल CBSE जो कि 10% है पूरे हिंदुस्तान का, उसमें से 95% ला रहे हैं और IIT में सीट कितनी है 9,500। तो ये तो 58,000 जो बच्चे हैं इसमें से भी बहुत फिल्ट्रेशन हो जाना है जब वो IIT के अंदर घुसेंगे। मेडिकल सीट्स कितनी है हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट की, क्योंकि प्राइवेट की मैं बात नहीं करूंगा, तो 1 करोड़ के आसपास फीस हो गया है आजकल। 28,000 सीट है केवल हिंदुस्तान में मेडिकल कॉलेजेस में। तो ये जो टॉपर्स ऑफ द टॉपर्स हैं इसके अंदर भी बहुत सारी फिल्ट्रेशन होनी है अगर ये क्वालिटी हायर एजुकेशन के अंदर जाना चाहते हैं। 13 लाख स्टूडेंट्स जो है नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं 28,000 सीटों के लिए, 11 लाख स्टूडेंट जो है IIT का एग्जामिनेशन दे रहे हैं, मुश्किल से 9,500 सीटें हैं जो IIT के अंदर, उसमें भी मैं बाद के IIT को उस लेवल पे नहीं पर्सनली रेट करता हूँ। IIM का एग्जामिनेशन देखें 4 लाख स्टूडेंट हैं जो एग्जामिनेशन देते हैं, मुश्किल से 4,000 सीटें हैं। UPSC का देखिए 10 लाख एग्जामिनेशन दे रहे हैं, 900 सीटें हैं। तो किसी भी क्षेत्र में अगर आप क्वालिटी हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं तो कंपटीशन बहुत टफ है और उसके लिए बच्चों को पहले से ही, मुझे लगता है कि क्लास 8 लेवल से तो बहुत सीरियस उनको हो जाने की आवश्यकता है। और अगर उनका ग्रूमिंग सही रहा, उनका बेस सही रहा, तो आगे उनको ही अपने करियर और जिंदगी बनाने में बहुत सहूलियत होगी। तो चलिए हम बता दें, इस बीच में हमने कोटा का भी दौरा किया था, हम जानना चाहते थे कि आखिर कोटा में क्या कुछ है जिससे वहां के बच्चे, हमने देखा कि हर जगह चर्चा कोटा भेजेंगे अपने बच्चों को कोटा भेजेंगे, लेकिन हमने जो वहां ऑब्जर्वेशन किया वो कई बात है, लगातार कोटा में आत्महत्या की घटना क्यों बढ़ गई इस पर भी हमने वर्क किया, उस पर हम विश्लेषण करेंगे। क्योंकि वहां गार्जियन का एक, जो यहां से पैसा भेजते हैं गार्जियन, उनका दबाव होता है अधिक, क्योंकि पैसा भेजे तो उनको पढ़ना पड़ेगा। वहां जो सिलेबस होता है, जो वहां फिनिशिंग वर्क होता है और वहां बच्चे को समझ में आता है, उनका बेस कमजोर होता है, वहां फिनिशिंग में प्रैक्टिस में अगर वो 2-4 प्रैक्टिस टेस्ट में अगर वो पिछड़ जाते हैं तो फिर उसको कंप्लीट करना उसके लिए काफी मुश्किल होता है। इसके बाद जैसे ही वो अलग हो जाते हैं
उनके ऊपर इतना मानसिक दबाव होता है, मानसिक तनाव होता है, ऐसे में उन्होंने आत्महत्या भी किया, आत्महत्या घटना बढ़ी है। इसमें वहां कई कॉलोनी जैसे हैं जिसमें साफ कहा जाता है कि अगर बच्चे आते हैं उनके साथ माता या पिता कोई एक आदमी वहां है तभी वह लोग कॉलोनी में रहने की अनुमति देते हैं। तो ये वहां का जो ऑब्जर्वेशन है कितना दबाव रहते हैं। रिजल्ट को हम अगर वहां देखा जाए औसतन तो पूरे इंडिया से वहां बच्चे आते हैं तो औसतन वहां रिजल्ट 6 या 7% है वहां का, क्योंकि अगर सारी इंडिया से गए तो रिजल्ट हम वहां का कॉन्ट्रेक्ट ना कि दरभंगा काउंट में लिखे, तो ये 6-7% है। जहां लाखों स्टूडेंट वहां जाते हैं वहां 6-7% कोई मायने नहीं रखता है, वो हर स्टेट के टॉपर स्टूडेंट ही होंगे जो वहां पर जाते हैं, उनको फिनिशिंग वर्क होता है तब वो रिजल्ट देते हैं। तो क्या कोटा को किस रूप में आप देते हैं कि आपके यहाँ के बच्चे भी चाहते होंगे कि हम कोटा चले जाएं, तो क्या उसका एक एनालिसिस होना चाहिए, एक कमेटी होनी चाहिए, वो गार्जियन को बताए कि नहीं आपका बच्चा उस लेवल का है? एनालिसिस है मेरे पास, मैं तो बहुत डीपली इस पूरी कहानी को एनालाइज करता हूँ और ये कोटा कामयाबी की भी कहानी है और कोटा बड़ी दुख भरी भी कहानी है, ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है कोटा की। देखिए है क्या, कोटा में लगभग 3 लाख स्टूडेंट्स रह रहे हैं आज के डेट में, अगर मैं हर एक साल लगभग 1.5 लाख लोगों का वहां पर इनफ्लो हो रहा है, 3 लाख स्टूडेंट्स रह रहे हैं और कोटा से जो टोटल रिजल्ट आता है अगर मैं IIT की संख्या की बात करूं तो 3000 है, दैट इज 1%। पूरे इंडिया का भी लगभग इसी के आसपास है, कोटा का डेफिनेटली एज क्या है कोटा को कि कोटा रैंकर्स दे पा रहा है, ये उसका सर्टेनली उसका एज है, क्योंकि कुछ ऐसे वहां पर संस्थान जरूर हैं और कुछ ऐसे वहां पर टीचर्स जरूर हैं उस शहर में जो कि मुझे लगता है इस कंट्री के जो बेस्ट ऑफ द माइंड्स हैं वो है, क्योंकि उस बात को मैं नकार नहीं रहा हूं, तो वो एडवांटेज तो है कुछ। आप देखिए मैं जो कोटा से जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं और मैं उनसे इंटरेक्ट भी करता हूँ, मुझे लगता है कम सैकड़ों की संख्या में IIT से पास आउट जो वहां पर टीचर्स हैं वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये तो इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि मैं सीधा खारिज कर दूं कोटा की कोई सक्सेस नहीं है, दैट विल नॉट बी जस्टिफाइड स्टेटमेंट, वो नहीं होगा। बहुत सारे IITians हैं जो कि वहां पर खुद पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल कॉलेज से निकले हुए MBBS के छात्र हैं और एक पूरा सिस्टम वहां पर बना हुआ है और ये सिस्टम कुछ 6 महीने साल भर की चीज नहीं है, 1985 से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, आज से लगभग मुझे लगता है 35 साल पहले ये कहानी स्टार्ट हुई थी और लेयर बाय लेयर इसमें इंस्टीट्यूट जुड़ते गए और सिस्टम बनता गया और एक तरह से जिसको कहते हैं पूरा एक इकोसिस्टम क्रिएट हो गया वहां पर। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजन है, अब आप कहेंगे कि सिलिकॉन वैली में ही क्यों सबसे ज्यादा इनोवेशन हो रहा है, तो वो उसकी पूरा एक इतिहास है कि इस वजह से ही वहां पर एक डेवलप हो गया इस तरह का कल्चर वहां पर, कोटा की भी कहानी ऐसी है। लेकिन एट द सेम टाइम ये भी एक साथ साथ उसके बड़े अनफॉर्चुनेट कहानी साथ चलती है कि बच्चे बहुत प्रेशर में रहते हैं, माँ बाप भी सही आकलन नहीं करते हैं। देखिए हम लोग एक चीज हमेशा जब मैं कॉर्पोरेट में था तो मुझे समझाया जाता था कि सेल्फ इवैल्यूएशन रूथलेस होना चाहिए, यानी आप जब अपना आत्म आकलन करें तो वो बड़ा निर्मम होना चाहिए, वहां पर ये इसकी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए कि मैं थोड़ा सा अपने आप को लीवे दे देता हूं। तो मैं ऐसे भी पेरेंट्स को जानता हूं जिनके बच्चे ने क्लास 10th के एग्जामिनेशन को क्लियर करने में संघर्ष किया है, स्ट्रगल किया है, वो बड़ी मुश्किल से 7वीं 8वीं 9वीं को क्लियर किया है और जब वो 11th में बच्चा पहुंचता है तो उसके माँ बाप जो है उसको सीधा कोटा भेज देते हैं और वो अपने आप को मौजूद पाता है ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में जो कि 95, 93, 92% लेके आए हैं। तो ये बहुत नेचुरल है कि उसके अंदर 15 दिनों के अंदर अगर उसका बेस नहीं मजबूत है उसके अंदर एक इंफीरियोरिटी डेवलप हो जाता है और मैं हर दिन क्लास में जाके अपने आप को छोटा महसूस करूं, हर दिन क्लास में जाके मैं हारा हुआ महसूस करूं, इसके बजाय स्टूडेंट्स क्या कहता है कि मैं इस गेम को छोड़ देता हूं, सो आई क्विट दिस गेम। और ये माँ बाप को 2 साल बाद पता चलता है, पेरेंट्स विल कम टू नो आफ्टर 2 ईयर्स, क्योंकि ये बच्चा जबकि पहले 20 दिन में ही डिसाइड कर चुका होता है कि ये गेम मेरे बस का नहीं है, पिताजी माता जी ने वो नहीं है उसके गेम उसके बस का, लेकिन माँ बाप ने FD तोड़वा ली है, जमीन बेच दी है, कर्ज ले लिया है और बच्चे की फीस भर दी है। अब ये बच्चा मन में इसके अंतर्द्वंद चल रहा है, इसको लगता है कि अगर मैं अपने माँ बाप को बोलूंगा तो मैं उनकी उम्मीद का एक सिरे से कत्ल कर दूंगा, तो ना ये बच्चा अपने माँ बाप को बता सकता है, ना ये बच्चा उस क्लास में जाके कम्पीट कर पा रहा है क्योंकि इसका तो 7th-8th का लेवल छूटा हुआ है, इसको यही नहीं मालूम कि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, इसको बीजगणित ही नहीं आता है कुछ भी। अब ये क्या करता है कि ये अपने तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं और कोटा में 75% स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं,
अलग अलग ऐसे ही है वहां पर। और ये 75% स्टूडेंट्स जो है ये लोग अपना अलग ग्रुप बनाते हैं और हमेशा एक ग्लानी से जूझते रहते हैं, क्योंकि ना ये अपनी बात जो है अपने माँ बाप तक पहुंचा पाते हैं, ना ये क्लास में अटेंड करके कंप्लीट कर पाते हैं, क्योंकि क्लास में भी जो इनकी जैसा उदाहरण दे रहे थे कि जो क्लास में भी मान लीजिए डाउट सेशंस भी है, तो डाउट सेशंस तो या रिमेडियल क्लासेस हैं, ट्यूटोरियल क्लासेस हैं, ये सारे के सारे उन चैप्टर्स को डिस्कस करेगा जो सुबह पढ़ाया गया है, जो बेसिक उसका ये सातवीं और आठवीं का मैथ्स उठा के कोई टीचर नहीं पढ़ाएंगे उनको वहां पर, वो सिस्टम का हिस्सा ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोटा भी बड़े एक सिंपल फिलॉसफी पे ऑपरेट करता है। देर आर टू कैटेगरीज, मैंने कोटा के शिक्षकों से बात की है, वो कहते हैं कि देर आर टू कैटेगरीज, वन इज रैंकर, वन इज बैंकर। यानी एक तो उनका रैंकर है जो कि इसके इंस्टीट्यूट को रिजल्ट देगा और उसके लिए वो धीरे धीरे वो A1 नाम के कैटेगरी बना लेते हैं, जहां बेस्ट टीचर्स रहते हैं, बेस्ट फैकल्टी रहती है, बेस्ट रिसोर्सेज उसको अवेलेबल करवाते हैं, और वो भी मान लेते हैं कि 90% लोग जो है बैंकर्स हैं, यानी ये लोग केवल इसलिए हैं ताकि इनसे फीस आए और इनसे फीस आके जो मेरे बेस्ट फैकल्टी है उसको मैं सैलरी दे सकूं, और इस तरह से इनका 10+90 का थ्योरी चलता है रैंकर और बैंकर का, तो दोनों ही सच्चाइयां साथ चलते हैं। तो इसको इस तरह हर माता पिता जब माता पिता को प्रारंभ से कैसे स्कूल की भी दायित्व बनता है, वो भी कैसे उस बच्चे को गार्जियन को फिर रहे थे कि आपका बच्चा उस लेवल का है या बिल्कुल, तो ये कैसे हो सकता है कि आठवां से बेस मजबूत हो उसके लिए स्पेशल क्लासेस। देखिए दो चीजें मनोज जी इसमें, पहली चीज तो ये है कि आप अगर ब्रॉडली सोचे इस दुनिया में हर बच्चा इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए नहीं बना है, इस दुनिया में बहुत सारे करियर्स हैं और बहुत सारे करियर्स के लिए अलग अलग तरह की प्रतिभा, अलग अलग तरह के टैलेंट, अलग अलग तरह का जो एक रुझान होता है उसकी आवश्यकता है। जरूरी नहीं है कि अगर मेरा बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है तो वो उसकी इस दुनिया में जगह नहीं है, कामयाबी के जो फेहरिस्त होगी उसमें उसका नाम शुमार नहीं हो सकता, ऐसा कतई नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये इवैल्यूएट करना चाहिए कि उस बच्चे का इंटरेस्ट भी कहाँ है। मुझे लगता है कि 10 में से 9 गार्जियंस और माय गार्जियंस जो देख रहे हैं, मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि कभी आप अपने बच्चे का भी इंटरेस्ट जानने का प्रयास करें, उनका भी रुझान जानने का प्रयास करें, और उसके लिए स्कूलों का दायित्व ये है कि आप उसको विकल्प बताएं। आप ये कहें उससे कि ये इंजीनियरिंग अगर आपके 58% मार्क्स हैं 10th में तो आपकी जिंदगी खत्म नहीं होती है, हाँ लेकिन IIT आपके लिए बहुत मुश्किल काम हो सकता है, बट देर आर सो मेनी अदर अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे हैं। जैसे मैं उदाहरण के लिए कि दरभंगा पब्लिक स्कूल में मैं 3 फरवरी को क्लास 10th और 12th के पेरेंट्स को मैंने इनवाइट किया है और मैं उनसे मुखातिब होऊंगा, मैं उनको सारे करियर ऑप्शंस के बारे में मैं बता रहा हूँ कि देखिए इतने सारे, दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ गई है, इतने सारे डिफरेंट करियर ऑप्शंस हैं, तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल को लेकर इतने भी ऑब्सेस्ड ना होइए कि एक बच्चा जो पहले से बहुत पीछे है उसके ऊपर आप ये थोपिए नहीं। आप अगर थोपेंगे तो ये बच्चा जो है ये बहुत हाई रिस्क गेम होगा, तो मेरे भी लगता है कि इस तरह से मुझे। चलिए गौरव जी, हम 2-3 बातों को फोकस करते हैं कि आपका क्या एटीट्यूड है अपने बच्चों के स्कूल के बच्चे, हर स्कूल का अपना अपना एक कहता है कि हमारे ये सब कहते हैं कि हम अपने अपने तरीके से बच्चों, लेकिन हमने ये निर्णय किया है कि अब दरभंगा के हित में हम 10 स्कूलों का ही सिलेक्शन करेंगे, हम वो सिलेक्शन कर रहे हैं ताकि वहां के बच्चों की एक्टिविटीज को देखते हैं, हर जगह बच्चे अलग अलग तरह की हो उस पर हम कमेंटी करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव है बच्चों के कैरियर के लिए और उनका बेस मजबूत करने के लिए, तो उस पर आप किस तरह का फोकस करना चाहते हैं और क्या प्लान है आपका अभी का जो है तो ये इस सेशन का। देखिए तो क्लियरली देखिए हम लोगों के हमारा जो स्कूल का हम लोगों ने अपना मोटो रखा हुआ है वो ये है कि इट इज बेटर टू लाइट अ कैंडल देन टू कर्स डार्कनेस, यानी अंधकार तो दुनिया में है, नेगेटिव चीजें हैं ही, लेकिन आप नेगेटिव चीजों को लेकर हम कोसते रहे, उसकी निंदा करते रहे, आलोचना करते रहे, इससे बेहतर है कि जितनी ही मेरे बस में है हम एक मोमबत्ती जाके एक दिया जाके जला दें। तो एक तो ये अप्रोच मुझे लगता है कि मैं पूरे सिस्टम का रखने की प्रयास करता हूं कि हर एक बच्चा जो है उसमें कोई ना कोई डिफरेंट टैलेंट है, हो सकता है कि कोई बच्चा IIT मेडिकल के लिए ना बना हो। पहली बात तो ये कि मेजरली आज के दिन में जो हमारा इकोनॉमिक और जॉब स्ट्रक्चर है वो आज भी एकेडमिक्स को ही सबसे ऊपर रखता है, तो एकेडमिक्स से ऊपर तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमें स्कूल के अंदर मल्टीपल में अपॉर्चुनिटी देने का प्रयास करता हूं बच्चों को, ताकि अगर उसके अंदर कोई मेधा या प्रतिभा छिपी हुई है तो वो निखर के आए, और उसके बाद करियर गाइडेंस और काउंसलिंग के थ्रू उसको और उसके पेरेंट्स से बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि देखिए ये बच्चा आपका मैथमेटिक्स में बहुत कमजोर है, इसको मैथमेटिक्स में हम लोग इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं, आपकी तरफ से भी एफर्ट की जरूरत होगी,
बट ये पेंटर लाजवाब है, ये जो ड्राइंग कर रहा है कमाल का है। तो इसके लिए आप ये भी सोचिए कि NIFT या NID इस तरह के संस्थान है जहां से जाके ये कल को एक बहुत बड़ा इंटीरियर डिजाइनर बन सकता है, कल को एक बहुत बड़ा पेंटर बन सकता है, कल को एक बहुत बड़ा ग्राफिक आर्टिस्ट बन सकता है। ये दोनों चीजों को हम लोगों को साथ में लेकर चलना होगा, क्योंकि वर्ल्ड का जो जॉब स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। और अब मतलब मैं अगर कुछ आंकड़े आपको बताऊं तो ऐसे तमिलनाडु में कम से कम ऐसे 200 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जहां प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो ये ऑब्सेशन जो है हमारा इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ, कहीं ना कहीं उसके प्रति भी हम लोगों को यथार्थवादी होना पड़ेगा। और साथ साथ एकेडमिक्स को हम नहीं छोड़ सकते हैं बिल्कुल, इसके प्रति भी हम लोगों को कटिबद्ध होना होगा, दोनों साथ चलने पड़ेगी जी। निश्चित तौर पर आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप अपने तरीका से अपने बच्चों को गाइड करें और कम से कम स्कूल मैनेजमेंट से अवश्य आप इस बात का चर्चा करें कि आखिर जो पढ़ाई हो रहा है उससे वो कितने सेटिस्फाइड हैं और किस तरह उनका बेस मजबूत हो रहा है। क्योंकि आने वाले समय में अगर आपके बच्चे के स्कूल में अगर इंग्लिश स्पोकन हो, डिबेट करने की क्षमता हो, सिलेबस पूरा हो रहा हो, आप होमवर्क मिलता हो, तो निश्चित तौर पर आप समझे कि आपका बच्चा सही राह पर जा सकता है। और ये आपका भी दायित्व बनता है, सिर्फ पैसे देने से ही आपका दायित्व खत्म नहीं होता, बल्कि आपको निश्चित तौर पर प्राचार्य से या स्कूल क्लास टीचर से मिलना चाहिए। ये अंतिम सवाल मुझे चाहिए कि हमने ओवरऑल देखा है कि सभी स्कूल अपने आप को ये कहते हैं कि हम अपने तरीके से बच्चों को, लेकिन गार्जियन का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है, ये प्राय हमने देखा है। ऐसा कौन सा पूल होना चाहिए जो एक गार्जियन और स्कूल मैनेजमेंट के बीच में कार्य करे, ताकि उस जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को दूर करते हुए जो बच्चे हैं उनको हम और बेहतर कर सके। गार्जियन पैसा खर्च करने के लिए तैयार है लेकिन वो चाहता है इधर उधर नहीं भेजे, हम स्कूल से ही अपेक्षा करता है कि वही सारा कुछ करे। इसमें मैं जो पेरेंट्स सुन रहे हैं उनको मैं एक मिथिला मंच के माध्यम से मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि पैसा खर्च करना जो है वो सफिशियंट नहीं है। इस थ्योरी को हम लोगों को अपने मन से निकालना पड़ेगा। और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा सोचते हैं कि मैंने पैसा दे दिया तो अब ये देखिए, आपको थोड़ा तो अपनी इन्वॉल्वमेंट और थोड़ा अपना समय भी खर्च करना होगा पैसे के साथ साथ। जो छोटा बच्चा होता है, मैं अगर 7th-8th तक की बात करूं, वो बच्चा अपने लिए नहीं पढ़ता है, वो बच्चा अपने मम्मी पापा के लिए पढ़ता है। तो जब वो बच्चा लौट कर घर जाए तो मम्मी और पापा को एक बार उससे पूछना चाहिए कि आज तुम्हें क्या पढ़ाया गया। कई बार गार्जियंस होते हैं जो कहते हैं कि हम खुद बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम कैसे समझेंगे कि उसका मैथमेटिक्स में क्या बोला। मैं मैथमेटिक्स पढ़ाने की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आपको क्रिकेट अगर मैच देखना होता है तो क्रिकेट के आपको रूल्स नहीं जानने हैं स्कोर पता करने के लिए, आप स्कोर फिर भी पता कर सकते हैं। आपको केवल बच्चे से 5 मिनट बात करनी है, केवल उसका डायरी एक बार देखना है, एक बार साइन कर दीजिए, थोड़ी स्कूल की उससे बातें कर दीजिए। आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बैठ कर ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए या आप उसको प्रीपोजिशन पढ़ा दीजिए, ये बात मैं कह ही नहीं रहा हूं। लेकिन जो आपका 5 या 10 मिनट का वक्त होता है वो उस बच्चे के साइकोलॉजी के ऊपर एक बहुत बड़ा असर डालता है। उसको लगता है कि ये जो माता मेरे पिता, ये मम्मी पापा जो मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, इनके लिए ये चीज महत्वपूर्ण है और शायद ये अगर मैं करूं तो दिस इज माय वे ऑफ पेइंग बैक। तो बच्चा अपने माँ बाप के प्रति जो अपना कमिटमेंट है उसको शो करने के लिए भी कई बार पढ़ता है और उसके अंदर इन्वॉल्व रहता है। लेकिन शर्त यह है कि माँ बाप को हर एक दिन अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर उसके अंदर इन्वॉल्व होकर 5-10 मिनट का समय निकालना होगा बच्चे के लिए। ये है दूसरी स्कूल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मैं कभी पीछे नहीं हटने की बात कर रहा हूं। जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो हम निश्चित रूप से करेंगे। और जो पेरेंट टीचर मीटिंग होती है जहां भी जिन स्कूलों में भी जितनी बार भी हो रही है उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए स्कूल को भी और पेरेंट्स को भी, क्योंकि वो साल में 4 या 5 बार ऐसा मौका होता है जबकि आप इंटरेक्ट करते हैं और आप एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को समझते हैं, एक दूसरे की चुनौतियों को समझते हैं। और अल्टीमेटली देखिए, बच्चा अगर सक्सेसफुल होगा तो माँ बाप के लिए भी सक्सेस है और स्कूल के लिए भी सक्सेस है। और बच्चा फेलियर है तो स्कूल थोड़ी कह सकती है कि जो है वो हमारे तो बहुत 1000 बच्चे हैं उसमें फेल हो गया। नो, आई डोंट थिंक दैट इज द राइट लॉजिक, क्योंकि स्कूल अगर क्रेडिट लेती है इस बात का
कि हमारे 95% के बच्चे इतने आ गए, हमारा एक बच्चा डॉक्टर बन गया, हमारा दो बच्चे IIT में चले गए, तो स्कूल इस जिम्मेदारी से भी नहीं भाग सकती कि अगर उसका कोई बच्चा जो है वो फेल कर रहा है। मुझे लगता है कि तब तो ये दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड, वो तो बिल्कुल नहीं। निश्चित तौर पर दोनों तीन जवाब यही आपको दे रहा है। चलिए हम एक चीज बता दें आप लोगों को कि जो 6 से लेकर के प्रारंभ होता है बच्चों का जो थॉट है सोचना पढ़ाई के प्रति जो रुझान है रुचि है वो 6 से ज्यादा और 8 आते आते गंभीर होना चाहिए बच्चों को, लेकिन वो 10 तक हम बच्चों को समझते हैं कि वो मासूम होते हैं, वो ना समझ होते हैं। लेकिन गार्जियन के अलावा स्कूल मैनेजमेंट का भी दायित्व बनता है कि उस बच्चे पर पूरी तरह केयर करना, ध्यान देना कि वो कहीं ऐसे बच्चों के साथ मिक्सअप तो नहीं हो रहा है कि जिससे वो उसका डिट्रेशन हो जाए धीरे धीरे। तो ये स्कूल मैनेजमेंट और गार्जियन का भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है, क्योंकि मासूम बच्चों में सही और गलत मालूम नहीं है, सही गलत हम बनाते हैं बताते होंगे। वो जो सही गलत देख रहे हैं वो ऐसे बच्चों को देख रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, जो अगल बगल मोहल्ले में जो बच्चे खेलते रहते हैं, जो उनका दोस्त है उसको तो उनके पास ये पैमाना नहीं होता कि सही है और गलत क्या है। ऐसे में अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट, तो काउंसलिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है जो उससे बैक हो रहा है। सारे स्कूल में हमने देखा है कि जो प्रॉपर मॉरल वैल्यू क्लासेस होनी चाहिए, जो काउंसलिंग होनी चाहिए, वो नहीं हो रहा है। हमने इसलिए एक प्रयास भी प्रारंभ किया है कि अगर आपके स्कूल में अगर 10 बच्चे ऐसे हैं क्लास में तो उसे एक टीम के द्वारा काउंसलिंग किया जाए। क्यों? बिल्कुल, और जैसा कि CBSE कहते भी है कि आपको जो भी CBSE एफिलिएटेड स्कूल्स हैं वहां पर एक प्रॉपर डेजिग्नेशन होता है काउंसलर का, जिसका काम है कि जो बच्चे आपके दिशा से थोड़े दिशा विहीन हो रहे हैं उन बच्चों को कैटर करना, जो बच्चे किसी तरह के परिवार में, कई बार क्या होता है कि बच्चे कह नहीं पाते हैं, परिवार में उनके कुछ क्लैशेस चल रहे होते हैं, परिवार में भी उनके कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं जो वो प्रकट नहीं कर पाता है, व्यक्त नहीं कर पाता है, लेकिन उसका धीरे 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 वो असर पड़ रहा होता है उसके पढ़ाई पर, उसके व्यक्तित्व पर, दोनों पर ही असर पड़ रहा होता है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सच चिल्ड्रन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, पहचानना ऐसे बच्चों को जो कौन सा, और वो मुझे लगता है क्लास टीचर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि क्लास टीचर से बेहतर वो कोई नहीं समझ सकते हैं कि कौन से बच्चे में किस तरह का क्वालिटी है या किस तरह का जो है डिटेरिएशन उसका ग्राफ में आ रहा है या ग्राफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। तो ये रोल काउंसलर का प्लस क्लास टीचर का इनका रोल है, और इसकी में प्रिंसिपल और मैनेजमेंट को भी इन्वॉल्व होने की बिल्कुल जरूरत होती है। तो लगातार मिथिला मंसूर दरभंगा के कई स्कूलों में जाकर हम बच्चे अभिभावक और स्कूल मैनेजमेंट से जानना चाहेंगे कि इस सेशन में किस तरह की एक्सपेरिमेंट लगातार हो रहे हैं, होते आ रहे हैं। अब स्कूल अपने अपने तरीके से एक्सपेरिमेंट भी करते हैं और सभी कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे बेहतर करें, लेकिन कई ऐसे तत्व हैं, टेक्निकली प्वाइंट है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक अभिभावक बड़ी अपेक्षा के साथ अपने बच्चे को स्कूल में डालता है, वह सोचता है कि वो उस लेवल का बनेगा, जब नहीं बन पाता है तो स्कूल पर भी आरोप होते हैं, फिर उस सिस्टम पर आरोप होते हैं। हम चाहते हैं कि आप अभी से ही अपने बच्चों के 6 में जाने के बाद से ही गंभीर हो जाइए, ताकि 8वीं आते आते बच्चे आपका खुद ब खुद गंभीर हो, और क्योंकि वो बच्चे मासूम हैं और आपको समझना पड़ेगा। अंत में हम आपको मिथिला मंसूर से जाने से पहले एक बार कहेंगे, संदेश दे दें ये गौरव जी आप बच्चों, तो अंतिम में अभिभावक को एक संदेश दे दें, आप एक कैरियर काउंसलर भी हैं तो उस हिसाब से। मेरा संदेश एक्चुअली यही रहेगा सबके, जो भी अभिभावक देख रहे हैं मुझे, कि जो एक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आजकल यंग जनरेशन में आ रही है और वो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स का भी कारण बन जाती है, वो है मोबाइल फोन। देखिए एक्चुअली आज से 5-6 साल पहले तक ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं थी। प्रॉब्लम इतनी बड़ी इसलिए नहीं थी क्योंकि ना इंटरनेट फ्री था उस जमाने में और ना मोबाइल फोन जो है उसका पेनिट्रेशन इतना हाई था कि हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है। अब बच्चे कहते हैं कि मैं meritnation.com देखने वाला हूं, मैं CBSE की साइट देख रहा हूं, मैं इसके अंदर से कुछ YouTube पे वीडियोस देख रहा हूं। मोबाइल फोन्स की जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो उसको मैं टेलीकॉम में काम कर चुका हूं, मुझे लगता है कि मैं इसको बहुत बेहतर तरीके से समझ रहा हूं इस चीज को, कि मोबाइल फोन के जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो उसकी बुराइयां हैं, वो बहुत अधिक है उसके जो फायदे हैं उससे। और बच्चा जिद्दी हो जाता है और बच्चा जो है वो कई बार खाना छोड़ देता है, बच्चा रोने लगता है और माँ बाप उस टाइम सेंटिमेंटल होके उसको मोबाइल फोन दे देते हैं और इंडिपेंडेंट दे देते हैं, यानी उसके बाद उसके ऊपर कोई चेक्स एंड कंट्रोल्स नहीं है कि वो कितने देर तक यूज कर रहा है, कब यूज कर रहा है, क्या देख रहा है, ये कुछ भी उनको नहीं पता होता है। देखिए मेरा ये इसमें रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप
डिसिप्लिन जो है वो बहुत जरूरी चीज है घरों के अंदर भी, और आपको जो ये बच्चों की जो जिद है इसको आपको गंगोत्री पे रोकना है, ये गंगा बन जाएगी फिर आप इसको नहीं रोक पाएंगे चाह कर भी। बुरा लगता है, बच्चों से बात कीजिए, बच्चों से डायलॉग्स कीजिए, लेकिन आप उनकी ऐसी जिद के ऊपर कतई समझौता नहीं कीजिए, कतई नहीं मानिए जो कि आप एज ए पेरेंट महसूस कर रहे हैं कि ये उसके फ्यूचर के लिए ये सही नहीं है। यहां पर आप का जो इमोशन होता है एज ए मदर या एज ए फादर, वही सबसे ज्यादा उस बच्चे को आने वाले समय में नुकसान पहुंचाएगा। तो धन्यवाद, क्योंकि हमारा यह भी मिशन है कि कम से कम हम अपना कर्तव्य निभाते हैं। हो सकता है कि 100% अभिभावकों को हम नहीं समझा पाए, 100% बच्चों को नहीं समझा पाए, मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट को नहीं समझ पाए, अगर 20% भी अगर सभी समझ गए अपने अपने तरीके से और जवाबदेही का निर्माण कर ले, तो हो सकता कि एक नया बदलाव आएगा और दरभंगा के जो बच्चे हैं उनका कैरियर भी सुनिश्चित होगा। और ऐसे में अभिभावक स्कूल मैनेजमेंट के बीच हम एक पुल का भी काम करते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि बीच में डायलॉग के जरिए कहीं से भी कोई खामी हो तो उसे दूर करना। हमने कई स्कूलों को दिखाया भी है, कई स्कूल से ऐसे बच्चे हैं जिनको निकाला गया है स्कूल से, और वो जब दूसरे स्कूल में नामांकन कराए हैं तो उन्होंने पहले स्कूल की बदनामी की है और कहा कि वहां ये सिस्टम है। तो हम चाहते हैं कि इस तरह की जो खामियां हैं उसको निश्चित तौर पर दूर करने की जरूरत है, ताकि दरभंगा शिक्षा के क्षेत्र में एक कोटा की तरह या मेट्रोपॉलिटन की तरह हब बने, और हमारे बच्चे जब जो कोटा या फिर अलग अलग जगहों पर जो रहते हैं उनके बच्चों के बीच जब हमारे बच्चे आए तो आप गिलानी महसूस न हो, यह हमारा मिशन है। धन्यवाद। थैंक यू।